हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। बेटा अज का जो अपना लैक्चर है पंजाबी लिटरेचर के बीए भाग थर्ड के लिए आप शुरू की हुई है बेटा, पंजाबी काव्य संग्रह की जी काव्य लड़ी है उस दे विच अज आपां भगत रविदास जी दी रचनावां नूं अगे करदे आं। हाँ जी, अज उन्हां दी सत्तवीं रचना का विषय वस्तु है जो करन जा रहे हैं बेटा आपां, कहां पयो जो तन पयो छिन छिन। हाँ जी, इहदा विषय वस्तु हैगा है कहां पयो जो तन पयो छिन छिन, शब्द गुरु रविदास जी दी रचना है। इसका विषय वस्तु प्रभु चरणा दे मिलाप का फल है। इसका विषय वस्तु की है बेटा, प्रभु चरणा दे मिलाप का फल है। गुरु रविदास जी आखते हैं, हे प्रभु मेरे मन ने कमल फुलां वर्गे तेरे सोहने चरणा नूं अपने रहन दी थां बना लिया, भाव कि मेरा मन है की है तेरे चरणा दे विच रहना चाहुंदा है, कमल दे फुलां जिहे तेरे चरणा दे विच इह हमेशा अपना की है निवास करना चाहुंदा है। तेरे चरण कमलां विचों नाम रस पींदिया मैं तेरे नाम दा धन लभ लिया है, भाव कि मैं तेरे चरणा दे विचों जिहड़ा नाम दा रस है वो पींदिया की है, जिहड़ा नाम दा धन है वो प्राप्त कीता है। तेरे नाम दा धन प्राप्त हो जाते मेरा शरीर नास भी हो जाए तो भी मैनू कोई परवाह नहीं, भाव कि जे तेरे नाम दा मैनू धन प्राप्त हो गया तो उस तो बाद जे मेरा शरीर नष्ट भी हो जाता तो भी उस चीज़ की मैनू कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। जे इस दे मन विचों तेरे चरणा दा प्यार दूर हो जाए, भाव कि फिर यह जिहड़ा मन है वह घबराएगा, तेरे सेवक उदों ही तेरा सेवक उदों ही घबराएगा जे इस दे मन विचों तेरे चरणा दा प्यार दूर हो जाए, भाव कि तेरे सेवक नूं घबराहट उस समय ही होएगी जदों तुहाडे चरण कमलां दे विच निवास स्थान ना प्राप्त होया, भाव कि तुहाडे चरण छो जदों प्राप्त होई तां इस नूं किसी चीज़ दी भी जिहड़ी चिंता उह नहीं हैगी। सौख विपता दे धन आदि माया दे परदे मनुख दी मत उत्ते पए रहिंदे हन, जिन्हां दे कारण बेटा की है मनुख हमेशा संसारिक झंझटां दे विच फसिया रहिंदा है, सौख दे विच विपता दे विच ते धन दे विच, ठीक है ना। ये माया दा चक्कर है जिहड़ा, ये इसनूं अपनी दल दल दे विचों कदे निकल नहीं दिंदा, जिस करके मनुख हमेशा इसे भटकणां दे विच भटकदा रहिंदा है। परंतु तेरे सेवक हुण इन्हां विच तेरा सेवक हुण इन्हां विच नहीं फसदा, तेरा दास तेरे प्यार दी रस्सी नाल बज्जा होया है, इस विचों निकलण दा उसका जी नहीं करता, भाव कि तेरा जिहड़ा सेवक है जिहड़ा तेरा दास है वह की है तेरे प्यार दी रस्सी दे नाल एक तरह जकड़िया गया है, हुण वह इस दे विचों निकलना नहीं चाहुंदा, उसका मन नहीं करता भी इस दे विचों वह आज़ादी प्राप्त करे। हाँ जी बेटा, अगे उन्हां दी रचना अठवीं, माटी को पुत्रा कैसे नाचत, भाव कि मिट्टी का एक पुतला मनुख है जिहड़ा वह किस तरह नच रहा है, काहदे नाल माया दे रंगां दे विच, भाव कि माया दे जाल दे विच फसिया होया वह मनुख हर समय माया नूं ही लभदा रहिंदा, चार छपेरे उस नूं माया ही माया दे जिहड़े सुपने ने उह आउंदे ने, इसे दे विच उह गलतान होया अपनी जिहड़ी उम्र है वह बर्बाद कर लैंदा। माटी को पुत्रा कैसे नाचत, शब्द गुरु रविदास जी की रचना है। इसका विशा परमात्मा का प्यार है जिसनों अपनाउण नाल मनुख माया की खुआरी तो बच जाता है, भाव कि माया की जिहड़ी खज्जल खुआरी हुंदी है माया दे नाल उस खज्जल खुआरी तो मनुख की है बच जाता है जदों परमात्मा का प्यार उसनों प्राप्त हो जाए। माया दे मोह विच फस के मिट्टी का पुतला रूप मनुख कहा हासोहीणा हो के नच रहा है, भाव कि मनुख की है माया दे जाल दे विच फस के बेटा एक हासोहीण स्थिति दे विच नच रहा है, यह चार छपेरे माया नूं ही ढूंढता है, ये चार छपेरे माया ही माया लभ रहा, भाव कि इस नूं माया तो बिना होर कोई सोझी नहीं, माया दियां ही गल्लां सुणदा है, माया कमाउण दियां ही गल्लां करदा है, हर वेले माया दी खातर दौड़िया फिरदा है, भाव कि यह माया दियां ही गल्लां सुणनियां इहनूं चंगियां लगदियां ने ते माया कमाउणी ही इसनूं चंगी लगदी है, भाव कि माया कमाउण तो बिना इहनूं होर कोई किसे काम की सोझी नहीं, किसे काम की सोझ नहीं आई, तो माया खातर ही यह इस संसार दे विच भज्जिया दौड़िया फिरदा है। जदों इसनूं कुछ धन मिल जाता है तो यह हंकार करन लग पैंदा है, पर जे गुआच जावे तो रोंदा ते दुखी हो जांदा हुंदा है,
जे कहिंदे धन की प्राप्ति हो जाए तो यह कि खुशी दे विच फुल्लिया नहीं समाउंदा, हंकार दे विच आ जांदा, मिट्टी का पुतला भाव कि मनुख। पर जे दी धन माया थोड़ी गवाच जाए तो यह कि है फिर रोंदा फिरदा। यह अपने मन वचना ते करतूतां राही माया दे चस्कियां विच फसिया होया है। पर मौत आउण ते जदों यह शरीर ढह पैंदा है तां जीव शरीर विचों निकल के प्रभु चरणां विच पहुँचण दी थां किते इक थां ही टिकदा है, भाव कि किसी माड़ी जगह के उत्ते चले जांदा। इक थां तों भाव की है बेटा किसी माड़ी जगह के उत्ते चलिया जाना। मनुख माया की इस खुआरी तो ता ही बचता है जदों उसकी माया की खेड रचाउण वाले परमात्मा का परमात्मा नाल प्रीत लग जाती है, भाव कि वह माया की खज्जल खुआरी तो बेटा ता ही बच सकता है जदों उसका माया रूपी जाल तो छुटकारा होके परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाता। जदों उसका परमात्मा दे नाल मिलाप हो गया, परमात्मा की उसदे मेहर होगी तो वह माया के इस जाल के विचों मुक्त होकर अपनी जिहड़ी जिंदगी है वह वधिया सफल कर सकता है। हाँ जी बेटा, अगली रचना है, अगली रचना का विषय वस्तु है गुरु रविदास जी इस रचना दे विच बयान कर रहे हैं कि जिहड़ी मूर्ति पूजा है जिहड़ी आपां फालतू की पूजा करते हैं वह सारे की ने, एक तरह के पखंड ने। परमात्मा का मिलाप पाउण दे लई, परमात्मा का प्यार पाउण दे लई परमात्मा किस चीज़ की भेंटा मंगता है? तन ते मन की, भाव के सच्चे मन ते शरदा दे नाल जे आपां कोई कार्य करते हैं तो परमात्मा आपां नूं जरूर उस दे विच सफलता जिहड़ी प्राप्त करवाउंदा है। दुध ते बछड़े थनों बटोरियो, भाव कि जिहड़ा दुध है वह बछड़े ने की है बेटा थणा चों बटोर लिया है। वो नाल जे आपां कोई अन्न पानी कोई खीर वगैरह कोई अनाज वगैरह बना के ठीक है ना कोई भोजन वगैरह पेश करते हैं तो वह भी एक तरह का झूठा है क्योंकि परमात्मा बछड़े दे विच भी बसदा है। शब्द गुरु रविदास जी की रचना है, इसका विशा देवी देवत्यां दी जल दुध ते फुल्लां नाल पूजा करन ते कर्म कांड का खंडन है, भाव कि बेटा जिहड़ी आपां जल दे नाल देवी देवत्यां दी जां दुध दे नाल जां फिर फुल्लां दी माला दे नाल पूजा करदे आ वह सारा की है एक कर्म कांड फोका है। उहदे नाल आपां नूं कदे भी परमात्मा दी जिहड़ी प्राप्ति उह नहीं हो सकदी, परमात्मा सच्चे मन ते तन दे नाल ही प्राप्त हो सकदा है। नाल ही दस्या है कि परमात्मा इन्हां चीज़ां दी थां तन ते मन दी भेंटा मंगदा है, भाव कि सच्चे तन ते मन दे नाल तुसीं कोई भी कार्ज करो तो सफल जरूर होवोगे। गुरु रविदास जी आखते हैं कि दुध तां थणा तों ही बच्छे ने जूठा कर दिता है, फुल भौरे ने सुंके ते पानी मछली ने खराब कर दिता है, इसे करके दुध फुल पानी यह तिने ही जूठे हो जान करके प्रभु अगे भेंट करन जोगे नहीं रह गए, भाव कि यह तिने चीज़ा जूठियां कीतियां हुई ने क्योंकि परमात्मा उन्होंने पहला ही निवास करता है पहला ही उन्होंने समाया हुआ है, इस करके ये तिने चीज़ा ही पहला ही कि ने प्रभु अगे भेंट भी हो चुकिया ने ते यह जीवा ने जूठियां भी करतियां ने। इसे स्थिति विच गोविंद की पूजा करन लई कोई चीज़ लैके भेंट की जाए कोई होर सुची चीज़ नहीं मिल सकती, मैनू जापदा है कि इस कमी करके मैं सोहणे प्रभु नूं प्राप्त नहीं कर सकता। कहना मैनू संसार दे विच इहो जी कोई भी सुची चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही जिस दे नाल मैं प्रभु की पूजा कर सकां प्रभु नूं भेंट कर सकां सुची चीज़, क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ दे विच परमात्मा बसदा है ते हर एक चीज़ पहला ही जूठी कीती हुई है। कहना सुची चीज़ ना मिलन करके अजिहा ना होवे किते मैं परमात्मा दे दर्शनां तों वांझा ही रह जावां। मैं देखदा हाँ कि चंदन दे बूटियां नूं सप्प चिंबड़े होए हन ते उहनां ने चंदन नूं जूठा कर दिता है, जहर ते अमृत भी समुंदर विच इकट्ठे ही वसदे हन, सुगंधी आ जाण करके धूफ दीप ते नवैद भी जूठे हो चुके हन। जूठियां चीज़ां उस अगे रख के उसदे भगत उसकी पूजा नहीं कर सकते, इसे करके उसकी पूजा लई अपना तन ते मन ही अर्पण किया जा सकता है। इस तरह ही गुरु सतगुरु की मेहर नाल वह परमात्मा मिल सकता है, भाव कि जे सच्चे परमात्मा की मेहर होवे तां वह परमात्मा जिहड़ा आपां नूं प्राप्त हो सकता है क्योंकि सारिया संसारिक चीज़ां ने बेटा वह सारिया पहला ही जूठियां कीतियां हुई ने, कोई भी चीज़ अजिही नहीं जापती जो संसार दे विच सुची होवे।
इस करके कहिंदा मैं अपने तन ते मन नूं ही भेंट करदा जिस दे नाल परमात्मा दे मिलाप की प्राप्ति हो सके। हाँ जी बेटा, अगली रचना हैगी है जब हम होते तब तो नहीं, भाव कि इस दा मतलब की है बेटा, कहिंदे जदों साडे विच मैं हुंदी है उदों प्रभु है जिहड़ा वो अपने विच नहीं हुंदा, भाव कि जदों अपने विचों मैं खत्म हो गई तां परमात्मा है जिहड़ा वो साडे विच निवास करदा है, भाव कि तेरी मेरी की जिहड़ी भावना वो खत्म हो जाती है, जदों इंसान दे विचों मैं खत्म हो गई तां परमात्मा है जिहड़ा वो अपने आप दे विच ही हर एक शरीर दे विच समा सकदा है, पर उदों तक वो किसी भी शरीर दे विच नहीं हो सकता जदों तक किसी भी शरीर के अंदर मैं जिहड़ी वो घर करके रखती है। जब हम होते तब तू नाहीं शब्द गुरु रविदास जी की रचना है, इसका विशा प्रभु की सर्वव्यापकता है, भाव कि परमात्मा है बेटा जिहड़ा वो हर एक थान के उत्ते पाया जाता है, सर्वव्यापक है, कण कण दे विच वसदा है, जिस दी मनुख नूं सोझी तदों ही हुंदी है जदों उस विचों उसकी ह्यूमें दूर हो जाती है। कहिंदे इस चीज़ की सोझी, इस चीज़ की अकल मनुख नूं फेर ही आती है जदों उस दे विचों जिहड़ी ह्यूमें है हंकार है जिहड़ा वो खत्म हो जाता है। गुरु रविदास जी माधो नूं संबोधन करते हुए कहिंदे हन कि असां जीवां नूं कुछ अजिहा भुलेखा पिया होया है कि जगत तेरे नालों कोई वक्री होंद है, कि जगत दे विच तेरा जिहड़ा निवास स्थान है वह कोई वक्री थान दे उत्ते है। कहिंदे सानूं जीवां नूं यही भुलेखा है, भाव कि संसार दे विच तां परमात्मा बसदा नहीं, पर उहनां दे मन दे विच इह की है भुलेखा है बेटा एक तरह का, पर यह गल ठीक नहीं। असल विच जिन्ना चिर असी जीवां दे अंदर ह्यूमें रहिंदी है उन्ना चिर तो साढ़े अंदर प्रगट नहीं हुंदा। कहिंदे यह गल ठीक नहीं कि परमात्मा दा जिहड़ा निवास स्थान है वह जगत दे विच नहीं है, भाव कि परमात्मा है जिहड़ा बेटा वह संसार दे विच इस जगत दे विच वसदा है। ठीक है ना, कहिंदे यह साडी गलत फहमी है, यह साडी की है गलती है, साडा भुलेख है। कहिंदे असल दे विच परमात्मा उन्ना चिर नहीं रहिंदा जिन्ना चिर साडे अंदर ह्यूमें हुंदी है, पर जद तों प्रतख हुंदा है तद साडी मैं दूर हो जाती है। कहिंदे जदों तू साडे विच हुंना तां साडे विच उह मैं जिहड़ी नहीं हुंदी, इह समझ आ जाती है कि जिवें भारी तूफान आउण नाल समुंदर लहरां नाल नकानक भर जाता है, पर असल विच इह लहरां समुंदर दे पाणी विच ही हुंदियां हन। कहिंदे जिहड़ियां लहरां ने बेटा समुंदर दे पाणी तों ही पैदा हुंदियां ने, ते जदों तूफान है जिहड़ा खत्म हो जाता है तां उह लहरां ने जिहड़ियां फिर उस दे विच समा जांदियां ने। ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੇ ਮਾਧੋ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਭਾਗ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਭਾਗ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਉਸਦਾ ਖੁੱਸ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਤ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗਤ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਗਤ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਉਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
जो तुम गिरवर तो हम मोरा। यही शब्द गुरु रविदास जी की रचना है। इसका विशा प्रभु की प्रीत है। यदा विशा की है बेटा, प्रभु की प्रीत है, प्रभु के नाल मिलाप है। गुरु रविदास जी यही विचार पेश करते हैं कि प्रभु की मेहर नाल ही उस दे चरणा विच प्रीत टिकी रह सकती है, भाव कि असी उदे चरणा दे विच अपना निवास है जिहड़ा वो कर सकते हैं, जो कि उच्चे दर्जे की होंदी है, भाव कि सब तो उत्तम होंदी है। भगत रविदास जी माधव नूं संबोधन करते हुए कहिंदे हन कि जे तू मेरे नालों प्यार ना तोड़े तो मैं भी नहीं तोड़ांगा। माधव तो भाव की है बेटा, इत्थे परमात्मा तो है, क्योंकि तेरे नालों तोड़ के मैं किसी होर नाल नहीं जोड़ सकता। कहिंदे जे तुसी मैनू अपने चरणों के नाल जोड़ के रखो तो मैं तुहाडे चरणों के नाल ही जुड़ के रहना चाहुंदा, मैं इस चरणों के नालों दूर नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि तुहाडे नालों दूर होकर जिहड़ी मेरी हस्ती है जिहड़ी वह कुछ भी नहीं, भाव कि मेरा अपना आप है जिहड़ा वह खत्म हो सकता है, क्योंकि कोई होर तेरे वर्गा नहीं वर्गा है ही नहीं। हे माधो, जे तू सोना जिहा पहाड़ बन जावें तो मैं तेरा मोर बन जावा, भाव कि जे तू एक सोहना जहा पहाड़ बन जावें तो मैं कि तेरा एक मोर बन जावा, तेनू वेख वेख के पहला पावा, जे तू चंद बन जावें तो मैं तेरी चकोरी बन जावा, भाव कि तेरे नाल नाल रहना चाहना, जे तू चंद बन जावें तो मैं कि तेरी चकोरी बनना चाहना, तेरे नाल नाल रह के तेरे चरणा की जी शो है उसनू मानना चाहना, तेनू वेख के खुश हो के बोलांगा, तेनू वेख के कहना मैं खुश हो के बोलांगा, भाव के खुशी दे विच फुलिया नहीं समावांगा। जे तू सोना दीवा बन जावे तो मैं तेरी वट बन जावा, भाव के बत्ती बन जावा। जे तू तीर्थ बन जावे तो मैं तेरे दीदार लई यात्री बन जावा। मैं तेरे नाल पक्का प्यार पा लिया है, भाव के तू जो कुछ भी बनना चाहना है उस तरह मैं तेरे नाल तेरे चरणा की धूड़ बन के रहना चाहना। मैं जिथे जिथे जाता हाँ मैनू हर थान तू ही तू दिसदा है, मैं हर थान तेरी ही सेवा करता हाँ। हे देव, तेरे वर्गा कोई होर मालक मैनू नहीं दिसया, भाव के हे परमात्मा तेरे वर्गा होर इस संसार दे विच दूजा कोई नहीं जिहड़ा कि मेरी रक्षा कर सके। तेरे चरणों के विच रह के ही मेरी हिफाजत है जिहड़ी वह हो सकती है, तेरे चरणों के विच रह के ही मेरी जिहड़ी जिंदगी है वह सफल हो सकती है। इस करके हमेशा मैनू अपने की है चरणों की धूड़ बना के रखी। तेरी बंदगी करन नाल जमा दे बंधन कट्टे जाते हैं, इस करके तेरी भगती का चौ हासिल करन लई तेरे गुण गाँदा हाँ। कहिंदे तेरी भगती करन दे नाल जिहड़े जमा दे बंधन ने वह की ने कट्टे जाते हैं, इस करके मैं हमेशा की है तेरे गुण गाँदा रहिंदा हाँ, तेरी भगती तेरी वड्याई करता रहिंदा हाँ। हाँ जी बेटा, अगली रचना उन्हां दी 12वीं रचना, जल की भीत पवन का फंदा पवन का थंबा। जल की भीत पवन का थंबा शब्द गुरु रविदास जी की रचना है। इसका विशा संसार की ना समानता है, भाव कि बेटा जिहड़ा संसार है वह की है ना समान है। ये संसार जिस तरह पैदा होया इस तरह वारी वारी इस संसार के उत्तों जिहड़े जीव ने जिहड़ियां चीज़ां ने पैदा हुई ने वो एक ना एक दिन खत्म होंदियां जा रही ने, भाव कि आपो अपनी वारी नूं पूरा करके हर एक चीज़ है जिहड़ी संसार तो वह चाले पा रही है। इस तरह जिहड़ा मनुख है वह भी अपने जीवन नूं हंडा के इस दे उत्तों चला जाता है। हाँ जी, गुरु रविदास जी आखते हैं कि मनुख नूं वंडां वितकरियां विच नहीं पैना चाहीदा, भाव कि जात पात जां होर भेदभाव, ठीक है ना, मनुखी जाति दे विच बहुत सारे जिहड़े भेदभाव ने वह पाए जाते हैं, उन्हां भेदभावां तों की है बचण की लोड़ है। गुरु जी यही सिख्या दे रहे ने, कहिंदे इन्हां दे विच आपां नूं पै के अपना समय जिहड़ा वह बर्बाद नहीं करना चाहीदा, क्योंकि उसका जीवन इस तरह थोड़ा चिर है, भाव कि वह थोड़ी जिही जिंदगी मिली है उसनू। जिमें रुखां उत्ते पंछियां दा डेरा सिर्फ रात लई हुंदा है, जीव पंछी विचारा उस शरीर विच वस रहा हुंदा है, जिस दी कंध मानो पानी दी है, जिस दी थम्मी हवा रूपी सुआसां दी है, माँ दी रत ते प्यो दे वीरज दा जिसनू गारा लगा होया है, हड मास नाड़ियां दा पिंजर
ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁਟਾ ਪੁਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.5 ਹੱਥ ਥਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੇਟਾ 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਾਰ ਲਈਏ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਾਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਘੱਟਾ ਕਿਉਂ ਢੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੰਗ ਕੇ ਵਾਲ ਸੰਵਾਰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਵਿੰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਨਮ ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਾਜ਼ਨ ਮਰਾਰੇ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੂੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮਰਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕੂੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਕੂੜੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਡੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਦਨ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਚੰਦਨ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
उस दा नाम ही उस लई दीवा है ते नाम ही उसकी बट्टी है, नाम ही तेल है जो दीवे विच पाया है। उन्होंने इस दे नाम दी ही जोत जगाई है जिस दी बरकत नाल सारे भवनों विच चानण हो जाता है जा चानण हो गया है। उस दे नाम नू ही उन्होंने धागा बनाया है, नाम नू ही उसने फुल ते फुलां दी माला बनाया है। होर सारी बनस्पति जिस तो लोग फुल लै के मूर्ति अगे भेंट करते हैं उस दे नाम दे टाकरे ते जूठी है, भाव कि सारी चीज़ा की ने बेटा जूठिया हो चुकिया ने जो आप मूर्ति पूजा के लिए फुल वगैरह लैके भेंट करते हैं। यह सारी कुदरत उसकी बनाई हुई है, इस विचों उस अगे की रखे, भाव कि इस दे विचों ओह कोई चीज़ अजि नहीं रख सकता जो वो अगे भेंट कर सके, भाव कि हर एक चीज़ है जी पहला ही लै चुके है। इस करके ओह उसका नाम रूप चौर ही है, उस उत्ते झोला पाँदा है, झोले तो भाव बेटा भुलेखा। सारे संसार की हर रोज़ की कार तो यह है कि उसका नाम भुला के 18 पुराणा दियाँ कहानियों विच परचे हुए हैं, परचे तो भाव बेटा मन परचाते हैं, ठीक है ना, भी लगे हुए ने अपने मन में दिलासा देते रहते हैं। हाँ जी, अगे है कि 68 तीर्थां दे इशनान नू ही पुन कर्म समझी बैठे हैं ते इस प्रकार चार खाणियां दे जुन्हां विच भटकते फिरते रहे हैं, पर मेरे लिए प्रभु का नाम ही उस दी आरती है। ओहो सदा कायम रहने वाला नाम दा ही भोग है जो ओह उसनू लाउंदा है, भाव कि उहदा नाम ही ओह भोग है जो उसनू लाउंदा बेटा। इस नाम तो बिना होर ओह कोई चीज़ है जिहड़ी भेंट नहीं कर सकदा। हाँ जी बेटा, अगली रचना उन्हां दी सहकी सार सुहागिन जाने, भाव के ठीक है ना, एक सुहागिन स्त्री ही जिहड़ा विछोड़े दे दर्द नूं बयान कर सकती है, वो अपने पति दे मिलाप दे विछोड़े नूं बयान कर सकती है, उहदे दर्द नूं सह सकती है। सहकी सार सुहागिन जाने गुरु रविदास जी की रचना है। इस विच गुरु जी ने जीव स्त्री दे जीवन विच प्रभु दे महत्व नूं उजागर करदिआं उस दे दर तो नाम सिमरन की दात मंगी है, भाव कि कादी मंग कर रहे बेटा गुरु जी नाम सिमरन की, परमात्मा दे दर तो। गुरु जी लिखते हैं कि जिस जीव स्त्री दे हिरदे विच प्रभु तो विछोड़े का दर्द नहीं उठा, भाव कि वह स्त्री की है उसकी सार है जी नहीं समझ सकती, जिदे सीने दे विच यह पीड़ पैदा नहीं हुई, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ। ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਖਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੜ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਛੁੱਟੜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਫੁੱਲ ਸਰਾਤ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
प्रभु की शरण में पै के ही पार उतारा हो सकता है, भाव कि प्रभु की शरण के पै के ही अपना जो सफल हो सकते हैं, ये अपना पार उतारा जो हो सकता है। हाँ जी, अगली रचना बेटा उन्हां दी 16वीं, जे वह 68 तीर्थ नहावे, कहिंदे जे वह 68 तीर्थां दा इशनान भी करदा तां भी वह इस दे तुल नहीं हो सकता, भाव कि तां भी वह इस दे समान नहीं हो सकता जेकर आपां सच्चे तन मन दे नाल गुरु दे लड़ नहीं लगदे। जे वह 68 तीर्थ नहावे शब्द गुरु रविदास जी की रचना है, इस विच गुरु जी ने यह विचार पेश किया है कि संतां दे निंदक नूं किसी भी धार्मिक उद्यम का फल नहीं मिल सकता, भाव कि बेटा वह इंसान कदे भी अपनी जिंदगी दे विच सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो संतां दी निंदा करता है। संतां दा निंदक चाहे 68 तीर्थां दा इशनान कर लवे फिर भी वह की है फल तो भी होना ही रहेगा, भाव कि उहनूं फल की प्राप्ति जिहड़ी वह नहीं हो सकती, वह हमेशा बेफला ही घूमदा रहेगा। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि संत अर्थात गुरमुख की निंदा करन वाला मनुख संसार दीआं निवाणां विचों पार नहीं लंघ सकता, भाव कि वह हमेशा नीवियां थावां दे उत्ते निवाणां दे उत्ते ही घूमदा रहिंदा है, वह सदा नरक विच ही पिया रहिंदा है। जे कोई मनुख 68 तीर्थां दा इशनान करे, जे 12 शिवलिंगां दी पूजा करे, जे लोकां दे भले लई खूह तलाब लगवावे, पर जे वह संतां दी निंदा करता है तां वह सारी उहदी मेहनत व्यर्थ जाती है, भाव कि बेटा जे वह पुन दे लई लोकां दे भले दे लई ठीक है ना भले दे काम भी करता है, खूह वगैरह लगवाउंदा है जां 12 शिवलिंगां दी पूजा करता है जां 68 तीर्थां दा इशनान करता है तां वह सारियां चीज़ां उहदे लई व्यर्थ ने जेकर वह निंदा करता है। जे कोई मनुख तीर्थ ते जाके ग्रहण दा इशनान करे, गहिणियां समेत अपनी वोटी ब्राह्मणा नूं दान कर देवे ते सारियां स्मृतियां ध्यान नाल सुने, पर जे वह संतां दी निंदा करता है तां वह सारे कम्मां तों कोई लाभ नहीं मिल सकता, भाव कि बेटा ये सारे कार्य उहदे लई की ने व्यर्थ ने जेकर वह किसी निंदा दे विच पैंदा किसी की निंदा चुगली करदा है। जे कोई मनुख ठाकरां नूं कई तरह के भोग लवावे, जमीन का दान करे ते संसार विच शोभा खट्टे, जे अपना नुकसान करा के भी दूजियां दे काम सवारे तां भी वह जे संतां दी निंदा करदा है तां कई जुनां विच भटकदा रहिंदा है। कहिंदे दान पुन दे काम करके भी लोकां दे भले दे काम करके भी जे वह संतां दी निंदा करदा है तां भी वह की है कई जुनां दे विच भटकदा फिरदा रहिंदा है, तां भी उहनूं मुक्ति जिहड़ी प्राप्त नहीं हो सकती। मनुख बाहरों भावें कई धार्मिक काम करे पर जे मनुख संत की निंदा करता है तो उसके धार्मिक काम एक ठगी ही है, तो उन्होंने धार्मिक काम बेटा एक प्रकार की ठगी ही मने जाएंगे। अजिहा मनुख कुकर्मी है तो नरक विच पिया रहिंदा है, अजिहा मनुख की है कहिंदे कुकर्मी हुंदा है तो हमेशा कदे विच पिया रहिंदा नरकां विच ही पिया रहिंदा है। हाँ जी बेटा, अगली रचना उन्होंने पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, गुरु रविदास जी की रचना है, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, शब्द गुरु रविदास जी की रचना है, इसका विशा विकारां विच फसे हुए मनुख की भटकण ते हउमे है, भाव कि जो मनुख विकारां दे विच फसे हुए ठीक है ना भटकते रहिंदे ने ते हंकार दे विच रहिंदे ने उस चीज़ का जिहड़ा विशा वस्तु है बयान किया गया जिस कारण वह यह समझण तो असमर्थ रहिंदा है कि परमात्मा का नाम ही उसका असल सहारा पूंजी ते जिंद जान है। कहिंदे इन्हां चीज़ां दे सदका वह मनुख हमेशा की किदे विच फसया रहिंदा बेटा मोह माया दे चक्करां दे विच ही फसया रहिंदा है, इस चीज़ नूं समझण तों असमर्थ रहिंदा है कि परमात्मा दा नाम ही उहदे लई सब कुछ है ते उह परमात्मा दे नाम नूं भुला के अपनी जिंदगी दे विच ठीक है ना चक्करां दे विच फसया रहिंदा है। गुरु रविदास जी आखदे हन कि काम क्रोध माया हंकार ते ईरखा साड़ा इन्हां पंजां ने रल के सब जीवां दे आत्मिक गुणां नूं लुट लिया है, भाव कि बेटा इह कीने पंज चोर ने, इस लई निताणे हो जाण करके जीवां दे अंदरों सहम दी गंढ नहीं खुलदी, भाव कि उहनां दे अंदर एक डर दी जिहड़ी गंढ उह बज्जी हुई है इन्हां चोरां दे कारण ही उहनां दी जिहड़ी आत्मा उह सहमी हुई है। हर थां ते सब जीव प्रभु दा नाम पढ़दे हन विचारदे ते सुणदे हन पर कामादायक दे कारण मन विच सहम दी गंढ बनी रहण करके उहनां दे अंदर प्रभु दा प्यार पैदा नहीं हुंदा, बेटा इन्हां विकारां दे कारण की है
प्रभु का नाम है जिहड़ा आपां नूं ठीक है ना प्राप्त नहीं हुंदा भाव कि आपां प्रभु दे लड़ नहीं लग पाउंदे। ये विकार ने जिहड़े हमेशा आपां नूं संसारिक झंझटां दे विच ही उलझा के रखते हैं तो अपना मन है जिहड़ा उह कदे साफ नहीं होण दिंदे। ये पैदा भी होवे किसे तरह कहिंदे जी इह प्रभु का नाम है पैदा भी होवे तां उह किस तरह कामां दा इक दे कारण मन दे नाल प्रभु दी शो नहीं बनती। जब तक लोहा पारस नाल छूहे ना तद तक शुद्ध सोना नहीं बन सकता। तद तक कहिंदे उह शुद्ध सोना जिहड़ा उह नहीं बन सकता जदों तक उह पारस दे नाल छूंदा नहीं। कामदायक दी लुट दे कारण जीवां दे अंदरों किसे वेले भी यह समझ नहीं हटती कि असी बड़े कवि हाँ चंगी कुल वाले हाँ विद्वान हाँ योगी हाँ सन्यासी हाँ ज्ञानवान हाँ गुणवान हाँ सूरमे हाँ जां दाते हाँ। जिहड़े भी पासे जीव पए उसे दा ही माण हो जाता है। जिन्हां जीवां नूं कामदायक ने लुट लिया है वह सारे ही कामलियां वांग गलती खा रहे हैं। ये नहीं समझते कि जिंदगी का असल आसरा जिंद जानते धन प्रभु का नाम ही है। भाव कि वह लोगों समझ नहीं आती बेटा उन्होंने पता नहीं लगता कि असली सहारा की है अपना प्रभु का नाम ही है। प्रभु के नाम तो बिना अपन और कोई चीज़ है जी वह सहारा नहीं दे सकती। हाँ जी अगली रचना बेटा इन्हों की खट कर्म कुल संयुक्त है। यह शब्द गुरु रविदास जी की रचना है। इस विच गुरु जी ने यह विचार पेश किया है कि प्रभु का सिमरन बड़े बड़े पापियां नूं तार दिंदा है। भाव कि बेटा जो माड़े कर्म करते हैं जो ठीक है ना विकारां दे विच फसे हुए हैं जेकर वह प्रभु के नाम का सहारा लेंदे ने तां प्रभु का नाम है जिहड़ा उन्हां नूं पार किनारे लगा सकता है। सिमरन तो सखना मनुख असल नीच है। कहिंदे जो मनुख सिमरन तो सखना है प्रभु की भगती तो सखना है वह की है एक किस्म का नीच है। चाहे वह अपने जीवन के किन्नी ही उच्ची पदवी क्यों ना प्राप्त कर लवे किड्डा ही अमीर क्यों ना होवे असल दे विच असली नीच वह हुंदा है। गुरु रविदास जी आखते हैं कि गालफ मन नूं प्रभु का सिमरन करना चाहिए है। उस नूं महारिषि वाल्मीक वल देखना चाहिए है किस तरह वह एक नीवी जात तो बड़े बड़े दर्जे उत्ते अपड़ गया। यह वड्याई परमात्मा की भगती के कारण ही सी। कहिंदे महारिषि वाल्मीक ने एड्डी वड्डी वड्याई प्राप्त की एड्डे वड्डे उत्तम दर्जे के उत्ते पहुँच गया। यह सब किहदी वड्याई सी बेटा परमात्मा के नाम की ही मेहर सी। जे कोई मनुख उच्ची ब्राह्मण कुल का होवे ते नित छे कर्म करता होवे पर जे उहदे हिरदे विच परमात्मा की भगती नहीं तां उह चंडाल दे बराबर है। कहिंदे कोई भी ब्राह्मण जिहड़े नित छे कर्म करता है चंगे कर्म करता है जेकर उहदे मन दे विच कोई परमात्मा दे प्रति ठीक है ना नाम की भावना नहीं हैगी परमात्मा की भगती नहीं हैगी तां उह की है चंडाल दे बराबर है। जिहड़ा कदे कुत्तियां दा वैरी सी सब लोगों नालों चंडाल सी पर उसने प्रभु नाल प्यार किया बेचारा जगत उसकी की वड्याई कर सकता है। उस दी वड्याई त्रिलोकी विच खिलर गई। भाव कि जो पापी सी कुत्तियां नूं मारदा सीगा है ना माड़े चंगे कर्म करता सी पर उन्हें परमात्मा का नाम जपया तो उहदी वड्याई कित्थे फैल गई बेटा सारे जगत दे विच फैल गई सारे त्रिलोक दे विच फैल गई तिन्हां लोकां दे विच उहदी वड्याई जिहड़ी उह गाई जाण लगी। अजामिल पिंगला शिकारी कुंचर इह सारे इसे तरह मुक्त हो के प्रभु चरणा विच जा पहुँचे। जे अजिही भैड़ी मत वाले तर गए भाव कि जो जे अजिहे माड़े कर्मा करन वाले मनुख तर सकते हैं बेटा तो आप भी परमात्मा दे लड़ लग के तर सकते हैं। तो मनुख सारा संसार सागर तो क्यों नहीं पार लंघाएगा। तो कहते जिहड़ा मनुख है वह संसार सागर तो पार लंघ सकता है इसलिए तेनों प्रभु का नाम सिमरन करना चाहिए। कहते संसार सागर तो पार लंघन के लिए बेटा की करना चाहिए प्रभु का नाम है जिहड़ा वह कहिंदे जपना चाहिए। इस करके अपन प्रभु के चरणों के जिहड़ी भगती है वह करनी चाहिए है। हाँ जी बेटा अपन गुरु रविदास जी दी रचनावां ने जिहड़ी वह कंप्लीट हो गई आपां अगे इन्हां दी विवहारक आलोचना करांगे अगले लैक्चर के सारे बच्चों ने ध्यान दे नाल सुनना है ते सीखना है। उम्मीद करदा सारे इस नूं पसंद करोंगे। धन्यवाद बेटा।